नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेस में। हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने अवशोषण के विषय में देखा था, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवशोषण के विषय में देखा था कि किस प्रकार से हमारे शरीर में अवशोषण की क्रिया होती है। इसमें एमिनो एसिड, जो कार्बोहाइड्रेट है उनमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इसके अलावा जो ग्लिसरॉल है और वसी अम्ल है, इन सभी का अवशोषण वो किस प्रकार से होता है, इनके विषय में हमने बात की थी। जब ग्लिसरॉल और वसी अम्ल का अवशोषण होता है उस समय मिसेल का निर्माण होता है, वो किस प्रकार से होता है, इन सभी के विषय में हमने कल के वीडियो में देखा था। आज की इस वीडियो में हम बड़ी आंत के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। बड़ी आंत की संरचना किस प्रकार से होती है और बड़ी आंत में किस प्रकार से जल और जो विटामिन के है उनका अवशोषण होता है, इन सभी के विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। यह वीडियो 10th क्लास, 12th क्लास, रीट, नीट और जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, बड़ी आंत में अवशोषण की क्रिया या बड़ी आंत की संरचना। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या इसे हम क्या कहते हैं, बड़ी आंत भी कहते हैं। हमने पीछे छोटी आंत पढ़ रहे थे, उस समय बात कर लेते कि किस प्रकार से हम बड़ी आंत को बड़ी आंत कहते हैं और क्यों बड़ी आंत को हम छोटी आंत को छोटी आंत कहते हैं। तो बड़ी आंत को बड़ी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका व्यास अधिक होता है, इस कारण इसे बड़ी आंत कहते हैं। जबकि इसकी लंबाई होती है वो छोटे आंत की तुलना में कम होती है, 1.75 मीटर होती है। यानी कि बड़ी आंत है, इसका व्यास अधिक होता है, इस कारण इसे बड़ी आंत कहते हैं। जबकि छोटी आंत का व्यास कम होता है, इस कारण उसे छोटी आंत कहते हैं। इसकी लंबाई होती है 1.75 मीटर और ये हमारी जो आहार नाल होता है उसका अंतिम भाग होता है, अंतिम भाग होता है। इसमें नॉर्मली बात करें तो किसी प्रकार का पाचन नहीं होता, लेकिन कुछ बैक्टीरिया इस प्रकार के पाए जाते हैं जो अनडाइजेस्ट फूड में जो सेलुलोज पाया जाता है उस सेलुलोज का पाचन वो लार्ज इंटेस्टाइन में करते हैं। अब इसकी संरचना किस प्रकार से होती है वो हम एक बार देख लेते हैं। इस प्रकार से ये संरचना पाई जाती है बड़ी आंत की। और मुख्य रूप से बात करें तो बड़ी आंत के होते हैं तीन भाग होते हैं। तीन भाग कौन कौन से होते हैं, पहला होता है सीकम और दूसरा होता है कोलन और तीसरा होता है रेक्टम या मलाशय। यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसे हम वृद्धांत्र भी कहते हैं हिंदी में, और ये वृद्धांत्र शब्द हम कोलन के लिए यूज करते हैं क्योंकि मुख्य भाग यही होता है इसका। सीकम को हम हिंदी में उंडुक कहते हैं या इसे अंड नाल भी कहते हैं, और मलस्थ इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। तो ये तीनों ही क्या होते हैं, बड़ी आंत के भाग होते हैं। अब इस संरचना में देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से और कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले यहां बात करते हैं, ये होता है ईलियम, जो कि हम छोटी आंत पढ़ रहे थे, छोटी आंत का अंतिम भाग होता है।
जहां सबसे अधिक अवशोषण की क्रिया होती है। और इसके यहां पर क्या होता है, इलियम और जो ये वाला होता है सीकम या उंडुक, या इसे हम अंधनाल कह देते हैं। तो सीकम है और जो इलियम है इनके मध्य एक कपाट उपस्थित होता है, इसे कहते हैं हम इलियोसिकल कपाट, इलियोसिकल कपाट या इलियोसिकल स्पिंक्टर भी कह देते हैं। यानी कि जो सीकम और इलियम के मध्य क्या होता है, इलियोसिकल कपाट पाया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं हम जो शूद्रांत्र होता है और जो उंडुक होता है या अंधनाल होता है इसके मध्य एक कपाट होता है जिसे इलियोसिकल कपाट कहते हैं। और ये कपाट क्या करता है, शूद्रांत्र या इलियम से भोजन को सीकम में आने तो देता लेकिन वापस से नहीं जाने देता है। सीकम के नीचे की ओर एक बंद अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं वर्मीफोरम अपेंडिक्स, वर्मीफोरम अपेंडिक्स, वर्मीफोरम अपेंडिक्स, या इसे हिंदी में कहते हैं कर्मी रूपी परिशेषिका, कर्मी रूपी परिशेषिका कहा जाता है इसे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि ह्यूमन का अवशेषी अंग कौन सा होता है, तो ये भी क्या होता है, एक अवशेषी अंग होता है ह्यूमन में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कर्मी रूपी परिशेषिका, इसका कोई कार्य नहीं होता है। इसके बाद में जो सीकम होता है इसमें क्या हो जाते हैं, सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सहजीवी जीवाणु उपस्थित होते हैं। यानी कि भोजन वो इलियम से यहां आता है, यहां पर आ जाता है, यहां से भोजन वो ऊपर की तरफ जाता है, ये पूरा क्या होता है, एक कोलन का ही भाग होता है। और कोलन को हम क्या करते हैं, तीन भागों में बांटते हैं। तो ये वाली जो भुजा होती है ये कहलाती है असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, या इसे हम आरोही कोलन भी कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, भोजन ऊपर की ओर गति करता है। इसके बाद में इसमें होता है क्या, बहुत सारे सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं असेंडिंग कोलन के अंदर। और ये सहजीवी जीवाणु क्या कर देते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये सहजीवी जीवाणु जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, अनडाइजेस्ट फूड को क्या कर देते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अनडाइजेस्ट फूड को ग्रहण करने के बाद में ये विटामिन बी और के, विटामिन बी और के का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भोजन होता है वो सीकम में आता, सीकम से जब ऊपर की ओर जाता है बड़ी आंत में, तो वो भुजा कहलाती है असेंडिंग कोलन या आरोही कोलन। और इसके अंदर बहुत सारे सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जो अनडाइजेस्ट फूड को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद में ये विटामिन बी और के का संश्लेषण करते हैं। यहां से फूड है वो जाता है इसके अंदर अनुप्रस्थ में जाता है, और इस कारण से हम इसे क्या कह देते हैं, अनुप्रस्थ कोलन भी कहते हैं, या इसे ट्रांसवर्स कोलन भी कह देते हैं, ट्रांसवर्स कोलन, या इसे अनुप्रस्थ कोलन भी कहते हैं। अनुप्रस्थ कोलन के बाद में बात करें तो यह भोजन फिर जाता है नीचे की तरफ, ये भोजन जाता है जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, इसे हम कायल भी कह सकते हैं, क्योंकि छोटे आंत में पाचित होने के बाद जो भोजन है वो कायल कहलाता है। और ये जो भोजन होता है ये क्या कहलाता है, अनडाइजेस्ट फूड कहलाता है, ये नीचे की ओर जाता है, इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलन, या इसे अवरोही कोलन कहते हैं, अवरोही कोलन कहा जाता है, या अवरोही वृद्धांतर भी कहते हैं कोलन, क्योंकि तो इसमें भोजन वो नीचे की ओर गति करता है। अब क्या होता है, इसके अंदर जो ये संरचना होती है इसमें कुछ स्मूथ मसल्स पाए जाती है, चिकनी पेशियां पाई जाती हैं, और इस चिकनी पेशियों की तीन पट्टियां पाई जाती हैं,
चिकनी पेशियों की ये तीन पट्टियां यहाँ पे उपस्थित होती हैं और इन तीन पट्टियों युक्त जो संरचना होती है उसे टीनी या टीनाई कोलाई कहते हैं, टीनी कोलाई कहते हैं। और इन टीनी कोलाई के कारण ही इन संरचनाओं में स्टूरिया बन जाते हैं, चुस्कांग बन जाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे क्या जो डिसेंडिंग कोलन होता है इसके अंदर जो भोजन आता है इसके अंदर, और इस संरचना के अंदर डिसेंडिंग कोलन में क्या होता है चिकनी पेशियां पाई जाती है और चिकनी पेशियों की तीन बैंड या तीन पट्टियां पाई जाती हैं और तीनों पट्टियां ये क्या कहलाती है टीनी कोलाई कहलाती है। और इन टीनी कोलाई के कारण यहाँ पे क्या होता है हिस्टेरिया या चुस्कांगों का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में भोजन है वो यहाँ होता हुआ यहाँ रेक्टम जो होता है मलाशय होता है इसमें इकट्ठा होता जाता है। और ये भोजन की मूवमेंट होती है ये किस कारण से होती है, ये होती है कर्माकुंचन गति के कारण, कर्माकुंचन गति के कारण भोजन है वो आगे मूवमेंट करता रहता है और यहां पर जो मलाशय होता है यहां पर इकट्ठा होता जाता है, मलाशय में इकट्ठा होता जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं यानी कि इलियम और जो सीकम होता है इनके मध्य में एक कपाट पाया जाता है जिसे इलियोसीकल कपाट कहते हैं। ये क्या करता है भोजन को सीकम में आने तो देता है लेकिन वापस नहीं जाने देता है। और इस सीकम के नीचे की ओर एक संरचना पाई जाती है जो बंद अंगुलीनुमा संरचना होती है इसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स या कर्मी रूपी प्रेशिका कहते हैं। यहां से मात्र एक ही क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक है कि मनुष्य का अवशेषी अंग कौन सा होता है, तो इसमें आप मान सकते हैं ये कर्मी रूपी परिशेषिका, इसका कोई कार्य नहीं होता, ये अवशेषी अंग के रूप में ही पाई जाती है। सीकम में बहुत सारे क्या हो जाते हैं सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके बाद में भोजन ऊपर की ओर मूवमेंट करता है और फिर दूसरा जो भाग होता है बड़ी आंत का कोलन या वृद्धांत्र ये शुरू हो जाता है और ये तीन भागों में बटा होता है, पहला होता है असेंडिंग कोलन, दूसरा ट्रांसवर्स कोलन और तीसरा डिसेंडिंग कोलन। और कुछ बुकों में यहाँ पे चौथा भी मिल जाता है सिग्मोइड कोलन भी जिसे हम कहते हैं। तो असेंडिंग कोलन या आरोही जो वर्गांतर होता है इसमें क्या होते हैं जो सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं ये अनडाइजेस्ट फूड या जो अपचित भोजन होता है इसको ग्रहण कर लेते हैं और ये ग्रहण करके ये जीवाणु विटामिन बी और के का संश्लेषण करते हैं। और इसी भाग में क्या होता है जल व विटामिन के का अवशोषण होता है। ये भी आप याद रखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जल और विटामिन के का अधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो सबसे अधिक अवशोषण ये कहाँ होता है जो आरोही कोलन होता है या जो कोलन वाला असेंडिंग कोलन होता है इसके अंदर होता है। इसके बाद में जो भोजन होता है वो अनुप्रस्थ मूवमेंट करता है, ये पूरी मूवमेंट है वो कर्माकुंचन या पेरिस्टेलेसिस मूवमेंट के कारण होती है। ट्रांसवर्स मूवमेंट करने के बाद में ये जो भोजन होता है वो नीचे की ओर मूवमेंट करता है, नीचे की ओर जाता है, तो इस कारण इस जो कोलन होता है इसे हम डिसेंडिंग कोलन या अवरोही कोलन कहते हैं, इसे अवरोही वर्धांतर भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कुछ चिकनी पेशियों के बैंड्स पाए जाते हैं, चिकनी पेशियों की पट्टिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम टीनी कोलाई कहते हैं और इन टीनी कोलाई के कारण यहाँ पे चुस्कांग या होस्टेरिया का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में यहां से कर्माकुंचन गति द्वारा जो भोजन है वो जाता हुआ कहां पहुंच जाता है मलाशय में चला जाता है और मलाशय में ये स्टोर होता रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मलाशय के अंदर किस प्रकार से स्टोर होता है, फिर आगे जो बहिक्षेपण की क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। तो इसमें देखो एक तो हमने संरचना देख ली कि बड़ी आंत की संरचना कैसी होती है और एक इसमें जो मुख्य होता है कि अवशोषण किस किस का होता है, तो जल और विटामिन के का अवशोषण वो बड़ी आंत में होता है और इसके अवशोषण की जो विधि होती है वो होती है विसरण, विसरण सामान्य जो विसरण होता है उसके द्वारा इनका अवशोषण होता है जल और विटामिन के का। सबसे अधिक मात्रा में जल का अवशोषण डिसेंडिंग कोलन या आरोही कोलन में होता है। अब आगे बात करते हैं कि जो मलाशय होती है उसकी संरचना कैसी होती है, कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं जिससे आगे बहिक्षेपण की क्रिया हो सके। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत स्वांगीकरण के बारे में बता देता हूं कि स्वांगीकरण या एसिमिलेशन की क्रिया क्या होती है। स्वांगीकरण या एसिमिलेशन इसमें क्या होता है कुछ ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उनसे क्या होता है उन भोजन का ऑक्सीकरण करके उनसे एटीपी के निर्माण की जो क्रिया होती है जिनका हम यूज करते हैं एटीपी निर्माण में वही क्या कहलाता है
स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है। अब आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मलाशय होती है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। देखो मलाशय में दो प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, एक तो होती है यहां पर और एक पेशी होती है इसके नीचे, एक यहां पे होती है। ये जो पेशी होती है इसे हम कहते हैं स्मूथ मसल्स या चिकनी पेशियां। स्मूथ मसल्स या चिकनी पेशियां, और इसे हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। या कंकालीय पेशियां। अब देखो यहां पर भोजन आ गया और यहां पे भोजन क्या हो गया, इकट्ठा होता रहता है कर्माकुंचन गति के द्वारा। अब मलाशय में जो ये पेशी पाई जाती है स्मूथ मसल्स, इससे क्या होता है जब यहां पे आता है ये इसके ऊपर प्रेशर डालता है, दाब उत्पन्न करता है, और इस तनाव के कारण, दाब से क्या होता है इस मसल्स में तनाव उत्पन्न होता है, इस तनाव से यानी कि स्मूथ मसल जो होती है, स्मूथ मसल्स में तनाव उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है, इस तनाव से क्या हो जाता है जो न्यूरॉन्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, ये न्यूरॉन्स क्या करती हैं, इनसे सिग्नल प्राप्त करती हैं, सिग्नल प्राप्त करती हैं, और ये सिग्नल कहां लेके जाती है, ब्रेन के पास लेके जाती है। यानी कि स्मूथ मसल्स या चिकनी पेशियां जो यहां पे पाई जाती हैं, और इन पे हमारा किसी पर, जो चिकनी पेशियां होती हैं इन पे हमारा किसी प्रकार से नियंत्रण नहीं होता है, इसका पूरा ब्रेन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो स्मूथ मसल्स पर जब जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, जो फिशेज होता है, इसका जब दबाव पड़ता है, इसके कारण इन पर तनाव उत्पन्न होता है स्मूथ मसल्स पर, और इस तनाव के द्वारा जो सिग्नल उत्पन्न होता है, इस सिग्नल को क्या करती है, न्यूरॉन्स होती है, ये ग्रहण करती है, ग्रहण करके ब्रेन के पास लेके जाती है, ब्रेन इनका फिर विश्लेषण करता है। ये हम तंत्रिका तंत्र में पढ़ेंगे विश्लेषण किस प्रकार से करता है, ये सभी क्रियाएं विश्लेषण करके यहां पे भी क्या करता है, कमांड देता है, कमांड देता है, और कमांड के माध्यम से जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं वे स्मूथ मसल्स क्या कर देती हैं, जो छिद्र होती है स्पिंक्टर होता है उसको खोल देती है, यानी स्मूथ मसल्स या चिकनी पेशियों का जो कपाट होता है, चिकनी पेशियों के कपाट को खोल देती है। और खुलने के कारण, इस कारण से क्या होता है, जो भोजन होता है, जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, अपशिष्ट ये कहां जाता है, अपशिष्ट ये आगे मूवमेंट कर जाता है, आगे गति कर जाता है। एक बार फिर से बता दूं आपको कि जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो इस स्मूथ मसल्स पर तनाव उत्पन्न करता है, इस तनाव को क्या करती है, न्यूरॉन्स ग्रहण करती है, ग्रहण करके ब्रेन के पास ले जाती है, ब्रेन वहां से कमांड करता है मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा, और ये चिकनी पेशियां होती है जो स्मूथ मसल्स होती है इनके द्वारा जो यहाँ पे कपाट उपस्थित होता है, जो वॉल होता है उसको खोल देती है, इस कारण से जो अपशिष्ट होता है ये आगे मूवमेंट कर जाता है। इसके बाद में ये आगे आने के बाद क्या होता है, जो नीचे स्केलेटल मसल्स पाई जाती है इसके ऊपर क्या करता है, प्रेशर डालता है, ये यहां आ जाता है और ये इसके ऊपर क्या कर देता है, तनाव उत्पन्न करता है, और जब इस पे तनाव उत्पन्न होता है तो ये क्या होती है, हमारे द्वारा नियंत्रित होती है, यानी कि हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं, हमारी इच्छा अनुसार इस पे हम क्रिया कर सकते हैं। तो स्केलेटल मसल्स पर जब तनाव उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है तो हमारी इच्छा अनुसार हम जो अपशिष्ट होता है वो इस स्केलेटल मसल्स के द्वारा बना हुआ जो छिद्र होता है, यहां पे कपाट होता है, यानी कि कंकालीय पेशियों के द्वारा द्वारा कपाट को खोलकर, कपाट को खोलकर अपशिष्ट का त्याग कर दिया जाता है,
त्याग कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे अपशिष्ट आने के बाद ये स्केलेटल मसल पर तनाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण स्केलेटल मसल्स हैं ये तनाव उत्पन्न होने के कारण हम जब हमारी इच्छा होती है तो उस इच्छा के अनुसार जो कंकाली पेशियां हैं इनके द्वारा बने हुए इस कपाट को हम खोल देते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका त्याग कर लिया जाता है। ये जो स्केलेटल मसल्स होती है ये इन पर हमारा पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है, जबकि स्मूथ मसल्स पर नियंत्रण नहीं होता है। और अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाता है, बाहर निकलकर आ जाता है। ये क्रिया होती है इजेशन की, इजेशन या बहिक्षेपण। ये बहिक्षेपण ही क्रिया होती है। एक बार जो सभी क्रियाएं हमने पढ़ी हैं उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं सभी का। सबसे पहली जो क्रिया पढ़ी थी वो थी इंजेशन, इंजेशन या इसे हम क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। यानी कि भोजन को मुख के द्वारा अंदर लेना ही क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। इसके बाद में सेकंड स्टेप पढ़ी थी हमने डाइजेशन या पाचन। इसमें हमने पाचन की क्रिया मुख में पड़ी थी, तो मुख में दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक टाइलिन होता है एक लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम जीवाणुओं का नष्ट करता है, टाइलिन क्या करता है या अल्फा एमाइलेज क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है या स्टार्च होता है उससे माल्टोज में बदल देता है। और यहाँ का जो पीएच होता है वो याद रखिए, मुख गुहा का जो पीएच होता है वो होता है 6.8 होता है। इसके बाद में जो भोजन है यहाँ पे पाचित होने के बाद भोजन बोलस कहलाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। के बाद में बात करते हैं जो भोजन है वो क्या आता है, स्टोमक में आता है। स्टोमक में आने के बाद जो भोजन का पाचन होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है एससीएल एसिड उपस्थित होता है, इस कारण से यहाँ का पीएच वो 1.2 या कुछ बुकों में 1.8 भी मिलता है, तो दोनों ही सही मान सकते हैं हम। और यहाँ का पीएच क्या होता है, अम्लीय हो जाता है, इस कारण यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे लाइपेज एंजाइम होता है वो कुछ समय की क्रिया कर वसा का पाचन करता है, और इसके बाद में जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन जो कि बच्चों में पाया जाता है ये क्या करता है, दूध का पाचन करता है। इसके बाद में भोजन जो कहलाता है वो कहलाता है कायम, आमाशय में पाचन होने के बाद भोजन कायम कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो भोजन छोटे आंत में ग्रहणी में जाता है, और ग्रहणी में क्या होता है, दो प्रकार के रस आते हैं, एक तो पितरस पित्ताशय से स्रावित होकर के पितरस आता है, और एक अग्नाशय से अग्नाशय रस आता है। पितरस में कुछ सोल्ट्स उपस्थित होते हैं और अग्नाशय रस में भी सोल्ट उपस्थित होते हैं, इस कारण से जो पीएच होता है वो चेंज हो जाता है, पीएच 7.5 से 8 के मध्य हो जाता है। और फिर यहाँ के जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, पित्त लवण होते हैं ये वसा का पारेषीकरण करते हैं, और जो अग्नाशय में एंजाइम पाए जाते हैं वो एंजाइम क्या करते हैं, जो काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, इसके अलावा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इलेस्टेज, ये सभी प्रोटीन का पाचन करते हैं, और जो लाइपेज होता है ये वसा का पाचन करता है और वसा को मोनोग्लिसराइड में बदल देता है, और एमाइलेज होता है वो जो स्टार्च होती है उसे माल्टोज लैक्टोज और सुक्रोज के अंदर बदल देता है। इसके बाद में जो आज भोजन है वो कहलाता है पाचित होने के बाद कायल। अब क्या होता है, भोजन है वो आगे अग्नाशय रस में, कायल क्या होता है, अभी पाचन कहाँ चल रहा है, छोटे आंत में चल रहा है, और छोटे आंत के द्वारा, ये तो अग्नाशय रस के द्वारा पाचन होने की क्रिया हो गई। इसके बाद में छोटे आंत से कुछ रस यानी कि आंतरिक रस निकलता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जिसमें जो माल्टोज के लिए माल्टेज एंजाइम होता है जो दो अणु ग्लूकोज के निर्माण करता है, और सुक्रोज के लिए सुक्रेज एंजाइम होता है जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसके बाद में जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज के लिए लैक्टेज एंजाइम होता है जो गैलेक्टेज और ग्लूकोज का निर्माण करता है, और मोनोग्लिसराइड है उसे लाइपेज एंजाइम है ग्लिसरॉल और अवश्य अम्ल में बदल देता है। इसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड रहते हैं उनका पाचन भी यहाँ पे हो जाता है, और छोटी आंत में पाचन के बाद जो भोजन होता है वो कायल कहलाता है। अब आगे अवशोषण की क्रिया बात करी थी, अवशोषण की क्रिया भी कहाँ पे संपन्न होती है, ये पाचन क्रिया यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, और तीसरी स्टेज आती है फिर अवशोषण या अब्जॉर्वेशन। अवशोषण की क्रिया है वो ज्यादातर तो बात करें तो अधिकतम है वो छोटी आंत में होती है, लेकिन अवशोषण क्रिया आमाशय में स्टार्ट हो जाती है। आमाशय में जो ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं, अल्कोहल होता है, इन सभी का अवशोषण आमाशय में हो जाता है, जबकि जो अन्य जो इम्पोर्टेंट पदार्थ होते हैं, जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इसके अलावा अवश्य अम्ल होते हैं और ग्लिसरॉल होते हैं,
शर्करा हो, इसके अलावा जो फोस्फेट होता है, जो लवण होते हैं, इन सभी का अवशोषण कहाँ होता है? छोटे आंत की जेजुनम या इलियम में होता है। तो अगर इसमें यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे अधिक पाचन तो कहाँ होता है? ग्रहणी के अंदर होता है, जबकि सबसे अधिक अवशोषण है वो इलियम के अंदर होता है, जेजुनम और इलियम। इसके बाद में हम अवशोषण की बात करें तो अवशोषण के अंदर मिसेल का निर्माण है वो अवशोषण के अंदर ही होता है, जिसमें हम ग्लिसरॉल और वसी अम्ल है इनके अवशोषण में पित्त लवण होते हैं वो सहायक करते हैं और वहां पे मिसेल का निर्माण होता है। और जो ग्लिसरॉल और वसी अम्ल है इनका जो अवशोषण होता है ये तो होता है लसिका के अंदर या लैक्टियल या स्तनीय कोशिकाओं में, जबकि अन्य जितने भी पदार्थ है इनका अवशोषण ब्लड वेसल्स में होता है। इसके बाद में हमने बड़ी आंत की बात की थी। बड़ी आंत में अवशोषण की क्रिया होती है बहुत ही कम होती है और वो सामान्यतः जल और विटामिन के का अवशोषण होता है। सबसे अधिक मात्रा में जल का अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है और यहाँ पे के विटामिन के का अवशोषण भी होता है। अवशोषण के बाद में जो स्वांगीकरण की क्रिया होती है उसमें क्या होता है, जो भी भोजन हमने ग्रहण किया, जो आवश्यक पदार्थ हमने लिए उनका एटीपी निर्माण में यूज करना ही स्वांगीकरण होता है। इसके बाद में जो थर्ड के बाद में जो फोर्थ होती है स्वांगीकरण और फिफ्थ जो प्रोसेस आती है वो होती है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण में क्या होता है, इजेशन में क्या होता है, जो अभी हमने बात की थी, इसमें जो अपचित पदार्थ होता है, जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, उसको जो रेक्टम होता है, मलाशय होता है, उसके द्वारा एनस से होकर के बाहर निकालने की क्रिया होती है वो बहिक्षेपण कहलाती है। इसमें दो मसल्स इंपॉर्टेंट है, स्मूथ मसल्स और एक स्केलेटल मसल्स। इस प्रकार से पूरी डाइजेशन की क्रिया होती है। इसमें कोई आपकी दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा डाइजेशन सिस्टम के संबंधित, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, उसमें मैं आपको आंसर बता दूंगा। अब आगे इनसे संबंधित कुछ रोग हैं तो उनकी हम बात कर लेते हैं। डाइजेशन से संबंधित रोग है वो बहुत सारे हैं, तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट रोग हैं वो उनकी हम बात कर लेते हैं। एक तो होता है मरास्मस और एक होता है क्वासियोरकोर। तो मरास्मस होता है, क्वासियोरकोर होता है। तो मरास्मस में तो क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, इसमें शरीर होता है वो कमजोर हो जाता है, हड्डियां दिखने लग जाती है, ये सभी लक्षण इसमें पाए जाते हैं। मरास्मस में क्या होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। मुख्य रूप से यही पूछा जाता है कि मरास्मस रोग किसकी कमी से होता है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया, ये दोनों ही रोग पूछे जाते हैं। तो मरास्मस प्रोटीन की कमी से होता है और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाए तो मरास्मस होता है, जबकि केवल प्रोटीन की कमी हो जाए तो आपको कौन सा रोग करना है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है वो होता है क्वासियोरकोर, क्योंकि दोनों में प्रोटीन की कमी होती है, जबकि जो मरास्मस होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी भी पाई जाती है और क्वासियोरकोर में केवल प्रोटीन की कमी होती है। इसमें शरीर कमजोर हो जाता है, हड्डियां दिखने लग जाती है, और इसमें क्या होता है, शरीर तो कमजोर होता है पर इसमें पेट अब फूल जाता है, शरीर अब फूल जाता है। एक वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। जबकि क्वासियोरकोर होता है ये एक वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। ये दोनों रोग होते हैं, दोनों आप अच्छे से याद रखिए कि मरास्मस प्रोटीन की कमी से और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, जबकि क्वासियोरकोर केवल प्रोटीन की कमी से होता है। मरास्मस में शरीर कमजोर हो जाता है, हड्डियां दिखने लग जाती है और ये एक वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है, जबकि क्वासियोरकोर इसमें शरीर कमजोर हो जाता है पर जो पेट होता है वो फूल जाता है, एक वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को प्रभावित करता है।
इसके बाद में देखो कुछ रोग आते हैं, इसमें पहला आ जाएगा पीलिया। पीलिया जो रोग होता है इसमें क्या होता है, शरीर पीला पड़ जाता है, शरीर पीला पड़ जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं। इस प्रकार के कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं और इसका कारण क्या होता है, यकृत में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, यकृत ग्रंथि जो होती है उसमें कुछ खराबी हो जाती है, इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है और इस कारण से क्या होता है, जो आरबीसी है इसका क्या हो जाता है, आरबीसी का विघटन अधिक मात्रा में होता है, आरबीसी का विघटन अधिक मात्रा में होता है और इस कारण से जो पित्रस होता है का श्रावण या पित्रस निकल नहीं पाता है, पित्रस का श्रावण कम होता है, यानी कि जो पीलिया रोग है, जोनडाइस है, ये इसमें क्या होता है, शरीर पीला हो जाता है, आंखें पीली हो जाती है, इसके अलावा त्वचा है वो पीली हमें नजर आती है और ये कारण क्या, इसका जो कारण होता है वो यकृत ग्रंथि में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और ये इस कारण से आरबीसी का विघटन अधिक होता है और इस कारण पित्रस का श्रावण या पित्रस है वो पित्ताशय से निकल नहीं पाता है और इसका जो बिलिरुबिन और बिलिविरुडिन होते हैं ये निकल नहीं पाते शरीर से, इस कारण से वो हमारा शरीर का रंग है वो पीला या आंखें पीली नजर आती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट हम बात करें, डायरिया जो रोग होता है इसमें क्या होता है, कई बार कर्मापुंचन गति है वो अधिक हो जाती है और कर्मापुंचन अधिक गति हो जाती है और जल का अवशोषण क्या हो जाता है, जल का अवशोषण है वो कम होता है, इसमें जल का अवशोषण कम हो जाता है और इसमें क्या होता है, कर्मापुंचन गति अधिक हो जाती है, कर्मापुंचन गति अधिक हो जाती है, इस कारण से क्या हो जाता है, डायरिया रोग हो जाता है और जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो बहुत ही पतला हो जाता है, लेह के जैसा हो जाता है और नॉर्मली हम बात करते हैं कि दस्त लगने वाला जो नॉर्मली जो डायरिया रोग होता है इसमें क्या होते हैं, दस्त लगने लग जाते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है, नेक्स्ट होता है वोमिटिंग, इसे हम उल्टी आना भी कहते हैं। कई बार क्या होता है, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं ये अमाशय के अंदर क्या होता है, कुछ खराबी होने के कारण अमाशय से भोजन है वो बाहर मुख के माध्यम से बाहर निकल आता है, ये क्रिया वोमिटिंग कहलाती है और ये कभी कुछ ऐसे वैसे पदार्थों को खाने से हो जाती है, जैसे कुछ मतलब ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इस प्रकार के पदार्थ खाने से क्या हो जाती है, उल्टी आने लग जाती है या कुछ ज्यादा खा लेते हैं तो भी ऐसी कंडीशन हो जाती है। इस प्रकार से आज के वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। पीछे इससे पहले मैंने लगभग 11 वीडियो डाले हैं, ये 12वां वीडियो है और इन 12 वीडियो के माध्यम से पूरा टॉपिक आपका कवर हो गया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।